हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पिंग। यहाँ पे देखिए एक पुराना एम आई का फ़ोन है, इस पर हम माउस भी चला रहे हैं और एक ही साथ साथ हमारा मोबाइल चार्ज भी हो रहा है चार्जर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार्जर लगा हुआ है, OTG भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसको एज ए ऑफिशियल काम के लिए एक्सेल वर्डपैड भी चला सकते हैं, माउस कीबोर्ड चला सकते हैं OTG से एक हब लगा के इसके साथ। अभी तो मैंने सिर्फ माउस कनेक्ट किया है और अभी माउस काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसके साथ चार्ज भी हो रहा है एक साथ। तो आप चाहे तो इस तरीके से साइमेंटेनियसली एक साथ चार्ज कर सकते हैं और माउस और कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आपका मोबाइल चार्ज भी होगा और इसके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक कनेक्शन को चेंज करना है और हो जाएगा। ठीक है, और एक डायोड लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 5 वोल्ट इन हो रहा है, वो 5 वोल्ट इन हो के ग्राउंड तो बैटरी के माइनस से लग रहा है और पॉजिटिव एक डायोड से मोबाइल का चार्जिंग सर्किट से होकर जा रहा है, और एडिशनल एक डायोड से जिसका एनोड पॉजिटिव की तरफ 5 वोल्ट और कैथोड आपका बैटरी के पॉजिटिव पे लगा हुआ है, जिससे कि ये फ़ोन चालू होना हो हर टाइम पे फ़ोन पे पावर जाता रहेगा बैटरी पे 4.2 वोल्ट। और OTG का लाइन जो है यहाँ पे वी बस से इसका जो कनेक्शन है डिस्प्ले पे दे सकते हैं। भी बस आपका भी चार्ज पे कनेक्ट है और डेटा प्लस माइनस कनेक्ट है और ग्राउंड कनेक्ट है और USB ID जो है वो आपका कनेक्ट है और शॉर्ट किया हुआ है मदरबोर्ड पे ग्राउंड के साथ, इसलिए ये OTG मोड में है। मोबाइल अभी OTG मोड में है और ये अभी डायोड से चार्ज हो रहा है। और जब आप पहली बार आप चार्जर को लगाएंगे तो आपका मोबाइल चार्जिंग मोड पर रहेगा, और जब USB कनेक्ट कर देंगे तो आपका माउस भी काम करेगा, तो मोबाइल के मदरबोर्ड से चार्जिंग भी हो जाएगा और आपका माउस कीबोर्ड भी काम करेगा। ठीक है, एकदम बिंदास काम करेगा, आप एक साथ दो काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर बताइएगा, आप भी ट्राई कीजिए, ट्राई करके बताइए। तो ये बिल्कुल आसानी से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्प्ले में दिख रहा होगा, तो आप इसको बनाइए ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है।